हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुराड़ी का थर्मल पावर प्लांट दिखाई दे रहा है। थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी किस तरह जनरेट होता है, पावर किस तरह जनरेट करते हैं, उसके कौन कौन से मेन यूनिट होते हैं और वो किस तरह फंक्शन करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे पावर पॉइंट की मदद से। उसमें एक एक ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है, उसको समझाया गया है। तो आइए देखते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ। मेरे पीछे जो है कुराड़ी का थर्मल पावर प्लांट है, इसके तीन यूनिट है। 660 मेगावाट का एक यूनिट है। ऐसे तीन कूलिंग टावर दिखाई दे रहे हैं आपको और चिमनी दिखाई दे रहा है, जो तीनों यूनिट का फ्लू गैस निकलेगा उसको चिमनी थ्रू पास कर देंगे। ये देखिए, ये अपने तीन कूलिंग टावर है जिसमें से देखिए मॉइस्ट एयर निकल रहा है ऊपर से, दो कूलिंग टावर से दिखाई दे रहा है। एक अपना चिमनी है, ये जो दिख रहा है यूनिट, इसके अंदर अपना बॉयलर सभी यूनिट जो रहते हैं वो हैं। तो अभी इस प्रेजेंटेशन की मदद से हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट में कौन कौन से मेन यूनिट होते हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं। सबसे पहले तो हमारा आता है कोल स्टोरेज प्लांट, जो कि हम कोल नाम से आपको जो कुछ भी यूनिट रहेगा इसमें सभी आपको नाम से ही पता चल जाएगा उसमें क्या क्या यूनिट क्या फंक्शन करता है। जैसे कि कोल स्टोरेज प्लांट, नाम से ही पता चलता है इसमें कोल को स्टोरेज किया जाता है, क्योंकि कोल ऐसा फ्यूल काम करता है थर्मल पावर प्लांट में, इसलिए हम कोल को स्टोरेज किया जाता है कोल किसी भी कोल माइन से मंगा के। उसके बाद कोल जाता है कोल हैंडलिंग प्लांट में, जिसमें कोल को क्रश किया जाता है, उसे पल्वराइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पल्वराइज मतलब कोयले को जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसका कम्बशन वो अच्छी तरह जल सके। अब कोल हैंडलिंग प्लांट के बाद हमारा कोल जाता है एक फर्नेंस में। फर्नेंस में लगा हुआ रहता है एक बॉयलर। इस बॉयलर में हम वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसे हम स्टीम बना के टर्बाइन को घुमा सके। अब ये कोल हमारा जो रहता है एक पल्वराइज फॉर्म में रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से कोल काफ़ी अच्छी तरह जलता है। और ये फर्नेंस में क्या क्या रहता है अभी देखते हैं आगे। जो फर्नेंस से हमारा जो कम्बशन होने के बाद जो फ्लू गैस निकलता है, ये देख सकते हैं आप, फ्लू गैस बता रहा है इधर। ये एक इंड्यूस ड्राफ्ट फैन की मदद से सक करता है। इंड्यूस ड्राफ्ट फैन जो रहता है वो एयर को सक करता है, चिमनी के थ्रू बाहर एटमोसफियर में भेज देता है। लेकिन ये जो फ्लू गैस रहता है उसे थर्मल पावर प्लांट में और भी कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है। वो किन किन चीज़ों में यूज़ करता है वो देखते हैं अभी। सबसे पहले तो हम ये सुपर हीटेड में यूज़ करते हैं। सुपर हीटर भी जो रहता है वो हमारा फर्नेस के अंदर ही रहता है। जो बॉयलर में जो बॉयल वाटर जो बॉयल होता है वो सैचुरेटेड रहता है, उसे और भी हीट करने के लिए हम सुपर हीटर यूज़ करते हैं, जो कि फ्लू गैस की मदद से जो हमारा जो स्टीम है उसे और भी ज़्यादा टेम्परेचर में लाया जा सके और ज़्यादा बॉयल कर सके। तो वो जो सैचुरेटेड स्टीम रहता है वो सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है। एकदम सुपर हीटेड स्टीम बनने की मदद से हम टर्बाइन को घुमाते हैं। लेकिन अभी इसके बाद जो सुपर हीटर के बाद जो हमारा फ्लू गैस जाता है वो इकोनोमाइज़र में जाता है। इकोनोमाइज़र से ही नाम से ही पता चल जाएगा, इकोनोमाइज़र इकोनॉमी, ये हमारा जो बॉयलर का इकोनॉमी रहता है उसे सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी इकोनोमाइज़र में हमारा पानी रहता है, पानी जो जाता है हमारा बॉयलर में, लेकिन जो हम इकोनोमाइज़र में पानी जो रहता है उसे हम फ्लू गैस की मदद से पहले ही गर्म कर देते हैं। जैसे कि फ्लू गैस अभी हमारा गया सुपर हीटर में, सुपर हीटर में जो सैचुरेटेड स्टीम था उसे हम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर दिए। अभी ये जो हमारा इकोनोमाइज़र में है पानी, उसे हम पहले ही गर्म कर देंगे तो जो बॉयलर में जाएगा वो पहले ही गर्म रहेगा, तो वो बॉयलर में ज़्यादा हमारा कोयला यूज़ नहीं करेगा या उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बॉयल होने के लिए, क्योंकि वो इकोनोमाइज़र में पहले ही गर्म हो चुका है। तो ये जो डायग्राम दिख रही है ये हमारा इकोनोमाइज़र का, इस तरह इकोनोमाइज़र रहता है। देखिए, इस तरफ से हमारा जो है फ्लू गैस इन, इधर से हमारा फ्लू गैस जा रहा है और यहाँ पे फ्लू गैस आउट लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा फ्लू गैस निकल जाएगा, इधर से इन करेगा फ्लू गैस और यहाँ पे होते हुए फ्लू गैस हमारा आउट चला जाएगा। जो हमारा कोल्ड वाटर रहेगा यहाँ से ट्यूब से जाएगा, इस ट्यूब से जाएगा और इस तरह होते हुए इन ट्यूब से हमारा जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर आएगा। तो जो फ्लू गैस हमारा गर्म है तो इस कोल्ड वाटर को गर्म कर देगा, तो ये जो हॉट वाटर हो जाएगा यहाँ से हमारा वाटर हॉट होके बाहर आ जाएगा। इस दूसरी डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, उसमें भी वही बताया हुआ है, फ्लू गैस इन इधर से जा रहा है और यहाँ से फ्लू गैस आउट हो रहा है। इसमें देखिए ये जो ट्यूब है ये डिफरेंट टाइप का ट्यूब है, इसमें फिन निकले हुए हैं जो कि हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और कोल्ड वाटर को ज़्यादा गर्म करता है। यहाँ से हमारा फीड वाटर इन जो कि कोल्ड वाटर इन आ रहा है, इस तरह ट्यूब में होते हुए इस तरह जाएगा हमारा कोल्ड वाटर और हमारा हॉट वाटर बन के बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह की ट्यूब रहती हैं, ये ट्यूब्स हैं इकोनोमाइज़र में जो कि वाटर जाता है जिनमें से, और ये डिफरेंट टाइप का ट्यूब है जिसमें फिन्स निकला हुआ है जो कि हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा तो हीट
वाटर को ज़्यादा गर्म करेगा। उसके बाद जो हमारा फर्नेस में जो आग जलाने के लिए एयर लगती है, कोई भी आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन लगता है, तो बाहर से हम एटमॉस्फेरिक एयर देते हैं जो कि एयर प्री हीटर थ्रू आता है। ये आप फोर्स ड्राफ्ट फैन देख रहे हैं, फोर्स ड्राफ्ट फैन जो रहता है, एक फ़ैन लगा हुआ रहता है जो कि बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर को एयर प्री हीटर में देता है। एयर प्री हीटर के थ्रू ही फर्नेस में जो हमारा एयर जाता है वो एयर प्री हीटर में पहले ही गर्म हो जाता है फ्लू गैस की मदद से। आप देख सकते हैं इधर फ्लू गैस की मदद से ये जो एयर है वो पहले ही गर्म कर दिए, उसके बाद हम फर्नेस में दिए। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं एयर प्री हीटर की, ये जो पिक्चर है इस तरह एयर प्री हीटर रहता है। उसके बाद इसमें देखिए किस तरह फंक्शन करता है। यहाँ से देखिए जो नॉर्मल जो फ्रेश एयर रहती है हमारी, यहाँ से एयर प्री हीटर में एंटर करती है और ऊपर से जो हमारा रहता है, ये जो रेड कलर का कर दिखा रहा है, ये हमारा फ्लू गैस इन जा रहा है। फ्लू गैस जो हमारा रहता है एयर प्री हीटर के अंदर यहाँ से जाता है और यहाँ से आउट हो जाता है। जो फ्लू गैस जो रहेगा हमारा जो गर्म रहता है, फ्लू गैस यहाँ से एंटर करेगा और इस तरह होते हुए यहाँ से निकल जाएगा, और जो कि हमारा फ्रेश एयर यहाँ से घुसेगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी जो गर्म रहेगी एयर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह एयर जाती है। जैसे देखिए यहाँ से फ्लू गैस इन हुआ, यहाँ से फ्लू गैस इन हुआ, उसके बाद अंदर ट्यूब्स लगे हुए हैं, ये ट्यूब्स लगे हुए हैं, यहाँ लिखाया हुआ ट्यूब्स। तो इन ट्यूब्स की मदद से फ्लू गैस दूसरे तरफ आता है, इस साइड से इन होके दूसरे साइड आउट होता है फ्लू गैस, और जो हमारा फ्रेश एयर जो रहता है यहाँ से फ्रेश एयर इन होगा और इन ट्यूब्स को टच होके इनके कॉन्टैक्ट में होते हुए दूसरे तरफ निकलेगा, जो कि फ्रेश एयर हॉट हो जाएगा। पहले जो एयर जो कोल्ड था जो फ्लू गैस की मदद से वो हॉट हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह का पार्टीशन दिया हुआ रहता है ताकि जो फ्रेश एयर रहता है सीधा ना चले जाए ऊपर, वो पूरा घूम फिर के जाएगा तो अच्छी तरह गर्म। उसके बाद ये जो हमारा सुपर हीटर में सुपर हीटेड स्टीम है वो एक मेन वाल्व के थ्रू टर्बाइन में दिया जाता है, जो कि टर्बाइन में फोर्सफुली जो सुपर हीटेड स्टीम जाता है वो ब्लेड्स को घुमाता है। ब्लेड्स काफ़ी तेज से घूमने की मदद से एक शाफ्ट कनेक्ट रहता है, उसमें एक शाफ्ट के साथ एक जनरेटर कनेक्ट रहता है, जो कि जब हमारा सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन में जाएगा तो वो काफ़ी तेज़ी से घूमेगा। वो टरबाइन घूमने की मदद से हमारा जनरेटर भी रोटेट होने लग जाएगा, जनरेटर का रोटर, और उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब जो टरबाइन में जो स्टीम निकला उसे हम ठंडा करते हैं कंडेंसर की मदद से। जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसे हम वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कंडेंसर में ठंडा करके। उसके बाद जो और भी ठंडा करना हमें उसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए हम कूलिंग टावर लगाते हैं, जो कि हमारा टरबाइन से जो स्टीम निकलेगा वो कंडेंसर में जाके ठंडा हो जाएगा, थोड़ा पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो, फिर उसे हम कूलिंग टावर में लाते हैं उसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कूलिंग टावर का इंटरनल पार्ट, जो कि यहाँ से देखिए हॉट वाटर जो कंडेंसर से आएगा वो कूलिंग टावर में जाएगा, उसमें लगे हुए रहते हैं काफ़ी सारे नोजल्स लगे हुए रहते हैं, वो नोजल से वाटर जो रहेगा स्प्रिंकलर की तरह निकलेगा, फवारी की तरह निकलेगा, और जो कि एयर जो नेचुरल जो एयर रहेगा हमारा एटमॉस्फेरिक एयर, उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो जो हॉट वाटर जो रहेगा वो अपना कूल हो जाता है और वो अपना नीचे कोल्ड वाटर बेसिन में कलेक्ट हो जाता है, और जो अपना भाप जो हल्का हल्का जो मॉइस्चर रहता है वो एयर में चला जाता है अपना। अब कूलिंग टावर में हम पानी कहाँ से लाते हैं, वो पानी हम लेते हैं नेचुरल वाटर सोर्स से, जो कि आसपास कोई भी तालाब या नदी होगी उसमें से हम पानी लेते हैं, उसे हम पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डाल देते हैं ताकि वो वाटर की साफ़ सफाई हो सके। पहले वाटर को साफ़ सफाई करने के बाद ही हम कूलिंग टावर में वो पानी देते हैं। उसके बाद एक फीड वाटर पंप लगा हुआ रहता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ, जो कि एक फीड वाटर हीटर में जाता है, जो कि फीड वाटर हीटर में हम नॉर्मल वाटर को हीट करते हैं ताकि उसमें कोई भी रस्ट या नमक रहता है पानी में वो इसी में ही बैठ जाए, हमारा बॉयलर तक ये नमक ना जा सके, इसीलिए हम उसे पहले ही हीट कर देते हैं, और पहले से ही हम हीट करके पानी आगे भेजेंगे बॉयलर तक तो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी बॉयलर की, इसीलिए हम पहले ही पानी को हीट कर देते हैं फीड वाटर हीटर की मदद से। उसके बाद फीड वाटर हीटर से पानी चला जाता है इकोनोमाइज़र में, इकोनोमाइज़र में फ्लू गैस की मदद से पानी और भी हीट हो जाता है, उसके बाद और हीट होने के बाद पानी हमारा जाता है बॉयलर में। इस तरह हम बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं ये फ्लू गैस का भी हम यूज़ करके बॉयलर की एफिशिएंसी ही बढ़ा रहे हैं, जो कि हम फ्लू गैस को डायरेक्ट नॉर्मल चिमनी थ्रू भेज सकते थे, लेकिन वो वेस्ट चली जाती फ्लू गैस थर्मल पावर प्लांट में, लेकिन उसी फ्लू गैस को यूज़ करके डिफरेंट स्टेजेस में उसका काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ा दिया जाता है बॉयलर का। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो ऐश निकलता है उस ऐश हैंडलिंग प्लांट में जाता है, उसके बाद ऐश को ऐश स्टोरेज कर देते हैं, कोई भी आसपास ऐश पॉन्ड रहेगा या कोई भी एक स्पेसिफिक जगह रहेगी उसी प्लांट के पास में जहाँ पूरा ऐश को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कोई भी ब्रिक्स बनाने के लिए या कोई भी यूज़ करने के लिए,
डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करने के लिए वो ऐश को भेज दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस रहता है हमारा थर्मल पावर प्लांट। तो अभी इस फोटो की मदद से आप देख सकते हैं पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फर्नेंस, फर्नेंस के अंदर क्या क्या होता है थर्मल पावर प्लांट में, वो देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा कोल जो आ रहा है, यहाँ से कोल आया, हमारा कोल जो गया फर्नेंस के अंदर गया, फर्नेंस के अंदर आग जलाया जाता है पल्वराइज कोल की मदद से। जो कोल रहता है हमारा पाउडर फॉर्म में रहता है, उसमें आग जलाते हैं, काफ़ी अच्छी तरह आग जलता है उसकी वजह से। तो ऊपर देखिए, यहाँ हमारा स्टीम बॉयलर लगा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से वाटर कहाँ से आता है। ये देखिए, वाटर इस तरह आ रहा है, यहाँ से वाटर आया, इकोनोमाइज़र में गया, इकोनोमाइज़र में जाने के बाद हमारा एक स्टीम बॉयलर में गया, जो कि नीचे में जो हमारा वाटर है, ऊपर जो रहेगा हमारा स्टीम आएगा, क्योंकि स्टीम हल्का होता है, वो हमारा ऊपर आएगा स्टीम, और जो नीचे है वाटर आएगा। ये देखिए, इकोनोमाइज़र में होते हुए हमारा आया वाटर हमारा स्टीम बॉयलर में, जो कि गया फर्नेंस में। फर्नेंस में ये जो वाटर रहेगा वो हीट की वजह से भाप बनेगा, हीट होते जाएगा तो वो भाप बनेगा, तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये जाएगा हमारा स्टीम बॉयलर के ड्रम में ही जाएगा। जो स्टीम रहता है हमारा ऊपर रहता है, तो स्टीम बनने के बाद हम उसे देंगे सुपर हीटेड में, क्योंकि अभी सैचुरेटेड स्टीम है। तो ये सुपर हीटर यहीं लगा हुआ है, जो इसका गैस जो बनेगा और उसे स्टीम को और हीट करेगा, जो कि हमारा सुपर हीटेड सैचुरेटेड स्टीम बोलते हैं। जो पहले जो इसमें रहता है सैचुरेटेड स्टीम रहता है, उसे और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है। तो ये सुपर हीटर थ्रू पास करते हैं उस स्टीम को, तो ये सुपर हीटेड स्टीम हो जाता है। तो ये जो निकल रहा है ना, इसमें से गैसेस जो निकल रहा है उसे फ्लू गैस कहते हैं। ये अंदर सब पूरा जो गैस है ये फ्लू गैस है, तो फ्लू गैस की मदद से और भी टेम्परेचर बढ़ जाता है उस भाप का, तो सुपर हीटेड थ्रू होके सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है और जाता है वो टर्बाइन में। तो अभी देखिए ये गैस किस तरह निकल रहा है, यहाँ से पहले सुपर हीटर में गया, उसके बाद गया अपना इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र में जाने के बाद हमारा एयर प्री हीटर में जाता है, यहाँ एयर प्री हीटर में लगा हुआ है। ये देखिए, अब ये देखिए फोर्स ड्राफ्ट फैन लगा हुआ है, क्योंकि ये फोर्स ड्राफ्ट फैन जो रहेगा हमारा एटमॉस्फेरिक एयर जो लेगा, एटमॉस्फेरिक एयर को लेके अपना एयर प्री हीटर में भेजेगा। एयर प्री हीटर की मदद से हमारा फर्नेंस के अंदर हीटेड एयर जाएगा, ताकि उसका एफिशिएंसी बढ़ सके। देखिए, अभी फ्लू गैस की मदद से हम इकोनोमाइज़र का भी जो पानी है उसको भी टेम्परेचर बढ़ा दिए, और फ्लू गैस की मदद से हमारा एयर का भी टेम्परेचर बढ़ा दिए। दोनों ही पहले ही हम हीट करके फर्नेंस के अंदर भेज दिए, ताकि उसका एफिशिएंसी बढ़ सके। इस डायग्राम में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सब चीज़। उसके बाद यहाँ से जो सुपर हीटेड स्टीम निकलेगा वो हमारा टर्बाइन में जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा क्या क्या फंक्शन करता है कौन कौन सा यूनिट, और मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसे ये लेक है पानी नेचुरल वाटर सोर्स के लिए, और कूलिंग टावर है, चिमनी है क्या फ्लू गैस निकालने के लिए, और ट्रांसमिशन लाइन है, ये अपना कूलिंग टावर है, उसके बाद ये चिमनी है, और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का है इसके अंदर हमारा बॉयलर, इकोनोमाइज़र, एयर प्रीहीटर सारा चीज़ रहता है, और यहाँ से हमारा ट्रांसफार्मर इधर लगा हुआ रहता है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके बाद यहाँ से हमारा पूरा ट्रांसमिट हो जाता है पावर। ये अपना नया कुराड़ी का नया पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, जो कि 660 मेगावाट का एक यूनिट है। उसके बाद इधर भी हमारा कुराड़ी का पुराना पावर प्लांट है, जिसके कूलिंग टावर बड़े नहीं रहते थे, पहले छोटे कूलिंग टावर रहते थे। देखिए यहाँ पे बड़ा कुछ कूलिंग टावर नहीं दिखाई देगा आपको, यहाँ पे नए वाले में इस तरह के कूलिंग टावर रहते हैं, और इसका भी ट्रांसमिशन लाइन इधर गया हुआ, ये ट्रांसमिशन लाइन है इसका, इस तरह पावर ट्रांसमिट कर दिया इधर। और इधर इसके पीछे भी देखेंगे आप तो यहाँ भी एक खापरखेड़ा का थर्मल पावर प्लांट दिखाई देगा आपको, जहाँ पे दो ये चिमनी दिखाई दे रही है यहाँ पे, और एक कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर के पीछे एक चिमनी और है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कूलिंग टावर सामने आ गया। ये नया कूलिंग टावर, नया वाला पावर प्लांट है ये। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए। आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट करके बताइए, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। ओके, बाय बाय। ये वीडियो शूट करने के लिए मैं आया था पानी की टंकी के ऊपर, और यहाँ पे एक दो बच्चे भी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं काफ़ी शांत बैठे हुए। हाँ बच्चों, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विशाल। मेरा नाम प्रलय। कहाँ पढ़ते? सेवाना विद्या मंदिर। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।